ये बन जाए हमारा, इसके लिए इसकी खुशी के लिए हम पुलाव। जाने अमरोह आगे देखना, तो सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ मैं छत पे, मतलब सेकंड फ्लोर की छत है, और कितना ऊंचा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है यहाँ पर। इतना अच्छा मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बेहतर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग भाई। 5 बजे उठा दिया घर वालों ने, 5 बजे सुबह के, और हम जा रहे हैं अमरोहा। हाँ भाई, एक ही जगह जाते हैं हम ज़्यादातर, अमरोहा इसलिए जा रहे हैं, छोटी बहन जो है ना, उसके लड़का हुआ था ना, मैंने बताया था, तो मामू बन गया मैं, जो मेरे साथ जिसकी शादी हुई थी ना उसी के। तो अभी हम जा रहे हैं अमरोहा, और मेरी 5:30 बजे की बस है, उस नीचे सामान रखा हुआ है बहुत सारा, 5:15 हो गए, तो जल्दी से पहले ही सामान वगैरह ले आते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास क्योंकि बस से जा रहे हैं। तो अभी पहले फटाफट ये काम करते हैं, और दिखाता हूँ आपको कितना सारा सामान है जो बच्चे के लिए लिया है ना मैंने, तो उसके ना छोटा सा एक प्रोग्राम है, खुशी है बच्चे की, तो वो सब देख के आना है। तो चलते हैं नीचे जल्दी से फटाफट, यहाँ का रूम बंद कर देता हूँ क्योंकि सब जा रहे हैं, हम पापा भी जा रहे हैं साथ में। हाँ चलो, मिलता हूँ आपसे नीचे। भैया देखो, एक बैग, एक पन्नी है जंबो, एक बैग वो है, एक ही छोटी सी भी पन्नी है, और ऐसे एक जंबो और 2 जंबो नीचे रखे हैं, ये लेके जाए, जंबो पैकिंग बोलते हैं इसमें, पोलोथीन होती है ना, ये जंबो बोलते हैं, ऐसे ही 3 है। हाँ, 2 नीचे रख दिए मैंने, और 2 ये हैं, ये रात में ही नीचे रख दिए थे हमने। तो जल्दी पहले स्कूटी निकालते हैं, ये सामान पहले बस पे रख के आता हूँ। चलो हो, अभी बाहर आ गए हम, और ये स्कूटी औरन भाई आ रही है, पन्नी बड़ी, तो स्कूटी में मैंने सामान रख लिया सारा, ये मैं इसलिए ले आ रहा हूँ कि 2 पैकेट थे, अब मैं यहाँ से रिक्शा वाला करता 100 रुपये लेता, और ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही जाना है। तो मैंने कहा स्कूटी निकालता हूँ, पहले पैकेट रख के आता हूँ, गली के बाहर से बस वाला ही जाएगा, बाहर खड़ा हो जाऊँगा, जाके बस में बैठ जाऊँगा, है ना, अकल अकल चलाने का। तो अभी बस ये देखो, ये सामान है, 1 जंबो रखे आया मैं पहले ही, एक अभी है, तो ये रख के, और फिर अपन गाड़ी स्कूटी वापस खड़ी कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, और बस में बैठ के चल लेंगे। तो भाई सामान वगैरह तो रखे आया, हाँ अब जा रहा हूँ वापस घर स्कूटी खड़ी करने, स्कूटी खड़ी करके मिलते हैं। तो अभी कर रहा हूँ मैं ऑटो बस का वेट, वो रोड पर खड़ा हूँ गली के बाहर, बस का वेट हो रहा है, उन्होंने बोला था कि यहीं से आते मैं ना उड़ा लूँगा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दे रहे हैं, तो बस ये आ जाए जल्दी से, फिर बस में बैठेंगे और बस में मिलता हूँ फिर मैं आपसे। सो फाइनली आ गई हमारी बस, ये आ रही है बस, इसमें बैठते हैं और चलते हैं फटाफट। तो भाई फाइनली निकल गया, मज़ा आ रहा है, बस में बैठा हूँ, शोरूम में भरा है इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, अभी आपको वहीं पहुँच के मिलूंगा मैं, या ढाबे पर अगर नहीं रुका ना, तो ढाबे पर क्राउड है ना पीछे बैठा है, इसलिए कैमरा भी ज़्यादा शो नहीं करा रहा मैं। फाइनली पहुंच गया, रिक्शा में रख लिया सारा सामान, जैकेट भी उतार दी है, थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो सब घर पहुंच के मिलता हूँ, रिक्शा बहुत हिल रहा है, घर पहुंच के मिलता हूँ। चल के मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों। वो फाइनली यहाँ आ गए हम छोटी वाली बहन के घर पे, सामान वामान भी सब रख दिया, और हालत खराब हो गई, और मुझे लग रही है भूख, और जब अमरा आके भूख लगती है ना, तो सबसे पहले मैं नाश्ता करने कहाँ जाता हूँ दिखाता हूँ। चलो पता है जिन्होंने ब्लॉग पहले के देखे हैं उन्हें तो पता ही है, फिर भी अब दिखाता हूँ, सस्पेंस में रहो। चलो धूप इतनी तेज पड़ रही है, और यहाँ होगा आज प्रोग्राम, ये सारा सेट कर रहे हैं सारा जगह, ये थोड़ा यहाँ पे मलबा पड़ा है ना, इसको बिल्कुल सेट कर देंगे, यहाँ पे प्रोग्राम होगा शाम को, नान गोश और पुलाव की पार्टी है, हाँ वो दिखाऊंगा आज। ये भी हमारा भांजा है हसन, हाँ हाय करो,
फिलहाल ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बाय बाय बाय। अबे हाय करो, हाय हाय करो, ऐसे हाय। ये भी हमारा भांजा है और ये ट्विंस है, एक भांजी है और भांजा, दोनों ट्विंस हैं। तो चलते जल्दी से, भूख लग रही भाई बहुत तेज यार। ये सामान रखूँ कल एक मिनट। तो बाइक पे बैठने के बाद लग रही है ठंड, तो यहाँ पर ना बाइक पे बैठा ना मैं, मतलब रिक्शे में भी मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट उतार दी थी जबकि डेनिम की ऐसी डाली हुई है, तो अब मैंने दोबारा पहन ली, ठंड लग रही थी। तो अब जल्दी से फटाफट चलते हैं, तो मुझे वाकई में बहुत ताबे तोड़ भूख लग रही है। हाँ मैं नाश्ता वहीं करता हूँ सबसे पहले, तो अब जल्दी से चल रहे हैं वहाँ पर। तो भाई हमें खाने थे कीमे के समोसे, लेकिन वो दुकान ही बंद थी, तो हम आ गए हलीम बिरयानी खाने। हाँ हलीम बिरयानी खाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी मिल जाए, कीमे के समोसे तो बाद में खा लूँगा क्योंकि कल भी आएंगे। हाँ अभी खाएंगे हलीम बिरयानी अमरोहा की। किस जगह पहुँच गया? ओहो क्या जबरदस्त जबरदस्त बोल दिया भाई, देखना। वैसे कहाँ पहुँच गया? वैसे मैं तो क्या मस्त लग रही प्लेट ऐसी, और बढ़ गई मेरी भूख। तो भाई पहले खा लें हलीम बिरयानी, उसके बाद मिलते हैं। और अगर रास्ते में कीमे के समोसे मिले ना, वापसी में जाते हुए देखेंगे, हो सकता है अभी खोल रहे हो दुकान, अभी बंद है, लेकिन तो लेते हुए चलेंगे घर पर खाएंगे, खाना ज़रूर है। तो भाई मस्त खा ली, पेट भर गया बढ़िया करके, मज़ा आ गया। अब थोड़ी सी जान आई, अभी भी कम भरा है लेकिन सहारा हो गया। तो चल रहे हैं, तो देखते हैं अगर रास्ते में बन रहे होंगे ना तो समोसे ले लेंगे घर वालों के लिए। तो फाइनली कीमे के समोसे मिल गए हमें, ये बन रहे हैं, तो मैं पैक करा के घर ही ले आके खाऊंगा। वैसे पहले मन था कि यहीं पे खाने का, लेकिन अब पैक कराऊंगा। तो भाई फाइनली ले लिए कीमे के समोसे भी और सब्जी पूरी भी ले ली, जैसे एज यूजल लेता हूँ मैं, और जामा मस्जिद के सामने हूँ। हाँ अब चल रहे हैं घर पे और खाते हैं और मिलते हैं घर पे। तो भाई नाश्ता वगैरह भी हो गया, सब कुछ मज़ा आ गया, पेट भर गया। अब मुझे जाना है शेप अप कराने। मैंने कीमे मतलब समोसा वगैरह ना दिखाया नहीं क्योंकि भूखे थे सारे, अम्मी वगैरह सब आ गई, तो जल्दी से बस टूट पड़े और सारा खा गए हम। हाँ अभी बस शेप वगैरह करा रहे आऊँगा पहले। तो भाई वॉशरूम वगैरह से भी हो गया और अब मेरा पानी गर्म हो रहा है, और देखो यहाँ पर पानी कैसे गर्म हो रहा है दिखाता हूँ। ये देखो ये अंगीठी होती है ना, इसमें पानी गर्म हो रहा है लकड़ी लग के, ये रहा भाई पुराने टाइप में, और अब पानी गर्म हो जाएगा तब नहाएंगे। तो इतने पानी गर्म हो रहा है और मुझे ना अपना थोड़ा सा क्लीन करा लेता हूँ, शेव करा लेता हूँ, जब लास्ट टाइम गया था वहीं पे चल रहे हैं। हाँ इतना पानी गर्म हो जाएगा, मैंने सोचा थोड़ा सही करा लो यार, ये कैमरा में तो दिख नहीं रहे होंगे बट बाल हो रहे हैं। हाँ। तो भाई शेवअप वगैरह हो गया, मस्त बढ़िया करके करा लिया। अब जल्दी चल के घर पे नहाता हूँ और फिर चेंज करता हूँ और चेंज करके मिलता हूँ आपको। फिर फाइनली रेडी हो गया मैं, टी शर्ट डाल ली, पेंट वेंट वही पहन रखी है, नहा लिया बाकी में, फ्रेश फ्रेश हो गया, नींद नींद सी आ रही थी। और अभी ना यहाँ पर खाना वगैरह बनेगा, नान गोश अमरोहा का पुलाव नान गोश, वो दिखाऊंगा मैं, दिखाता हूँ कैसे प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। देखो वहाँ खाना बनेगा सारा, तो वहाँ पे नान गोश और पुलाव बनेगा अपना। तो अभी तो भाई खाना वगैरह बन रहा है और थोड़ा सा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ थोड़ा बाहर निकल के, कहीं चलते कहीं पर देखते हैं, कहीं जाने का हिसाब बनाते हैं, तो क्या ही करूँ यहाँ पर। आ गए अपने चाचा के यहाँ, और देखना तो सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ मैं, छत पे, मतलब सेकंड फ्लोर की छत है, और कितना ऊंचा लग रहा है भाई, क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है, वाइब्स आ रही है इतनी प्यारी, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे पास पास में। तो
तो भाई अभी जा रहे हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मतलब अमरोहा में ही है, पापा के रूट करनाल कराना है, दांत वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो दिखाने जा रहे हैं। पापा बैठे हैं साथ में, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता है, तो वहाँ पे आज ये काम करा के आएंगे। तो भाई पापा का हो रहा है रूट करनाल, और ये देखो ये डॉक्टर है ना, ये अपने भाई हैं, रिलेटिव भी अपने भाई, बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस में लगाते हैं। अभी पापा का चला है ट्रीटमेंट रूट करनाल अंदर, और अभी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर लगती है। अभी अंदर चल रहा है ना, और पापा अंदर है अभी, अभी देखो कितनी देर लगती है। और अभी प्रोग्राम में भी जाना है, चेंज भी करना है कपड़े वगैरह, आज यहीं टाइम लग गया, लेकिन ये काम हो जाएगा ना इनका सही रहेगा, तकलीफ ज़्यादा थी पापा के, तो ये कराया है। अभी देखते कितनी देर लगता है, टाइम बाहर आ गए। तो भाई फाइनली पापा का काम तो हो गया, दांत वगैरह लगवा दिया, और बस जा रहे हैं वहीं पर, देखते हैं क्या रहा प्रोग्राम वगैरह का, और चलते हैं फटाफट। अब रिक्शे का वेट कर रहे हैं, टुक टुक आएगा ना उस पर जाएंगे। तो भाई हम घर पर आ गया फाइनली, रिक्शे में बैठ के, और सारा सामान अम्मी ने लगा दिया, जो जो सामान आया था तो हम लेके आए थे, तो दिखाता हूँ मैं हमारे मुन्ने के लिए। तो ये सारे हमारे भांजे के कपड़े, शामिर नाम रखा है हमने इनके, इनके अब्बा ने शामिर नाम रखा है, तो ये सबके कपड़े हैं, सास ससुर वगैरह के जो होते हैं, और ये शामिर के कपड़े सारे, थोड़े से बहुत टॉयज़ हैं, ये ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, ये सारा, ये लंगोटे हैं जो बचपन में लंगोट पहनते थे ना, ये हमारी अम्मी ने सीए हैं, आज भी हमारी अम्मी सीते हैं, और ये भी अम्मी ने सीए हैं, वो भी अम्मी ने सीए हैं, बिछौनिए बिछौनिए बोलते हैं, तो ये सब अम्मी ने कराए, माशाल्लाह सब बढ़िया हो गया। अब लग रही है मुझे भूख, मैंने दोपहर में नहीं खाया, वही हलीम बिरयानी खाई थी, और क्या बोलते हैं कीमे के समोसा खा लिए थे, बस अब भूख लग रही है बड़ी सही वाली, ताबे तोड़ करो जल्दी से, हाई कर दो हाई। तो भाई देखो फायका बच्ची की, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है इसकी, कोल्ड हो गया ज़्यादा ही, देखो कितना पैक कर रखा हमने, है ना भाई। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ है घर में ही, तो अपना वहाँ पे खाना वगैरह बना हुआ है, ये टेबल लगी हुई है, हाँ तो बस ऐसे ही लगा हुआ है। भाई हमारी सारी कजन्स हैं, छोटी छोटी बहनें हमारी अमरोहा की, अब चेहरा दिखाते रहो सब, हाँ तो इन्होंने मुझे घेर लिया, तो भाई मुझे हमें मिलो, हमें तो ये निकल रहा है भाई अमरोहा का पुलाव, ये हमारे अनवार भाई, अंजार भाई निकाल रहे हैं पुलाव, देख रहे हो कैसी भाप निकल रही है। ये आ गया अमरोहा का कोरमा, जाने अमरोहा की, ये बैठे हैं, ये हमारे शाहरुख भाई के पापा, और ये अंजार भाई पुलाव निकाल रहे हैं, और यहाँ निकल रहा है नान गोश, नान गोश निकाल लिया, और नान ही रहे गरम गरम, वो खाते हैं, और आपसे फिर मिलता हूँ, और अभी पुलाव भी दिखाऊंगा। ये आ गया अपना पुलाव, देख रहा हूँ भाई सब, ये अमरोहा का पुलाव है, तो अभी ये भी खाते हैं फटाफट, और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली पेट भर गया, मज़ा आ गया, अमरोहा का नान गोश और पुलाव तो एक नंबर होता है, पेट भर गया मस्त, उंगलियाँ भी चाट रहा हूँ मैं तो, अभी बस हैंड वॉश वगैरह करते हैं। ये हमारा भांजा, ये देखो ये हम यहाँ पर आए, ओ मैं बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कौन सी ट्यूब है तुम्हारे पास, हमारा प्यारा सा भांजा, और ये मेरी फायका, नन्नु मुन्नु छोटू सा फायका, मुन्ना छोटा सा। तो भाई बस यहीं पे व्लॉग एंड हो गया था, बिकॉज माम बस यहाँ से, बस मैं फंक्शन से निपटा एकदम से, मामा के यहाँ से कॉल आ गई थी कि इंतकाल हो गया मामा का, तो बस फिर बस उसके बाद कोई होश नहीं था किसी को भी, और जल्दी से वहाँ से ट्रैवलिंग वगैरह वाले उसे कार वगैरह करके, और फटाफट हम भाग के आ गए थे। तो हाँ
आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।